अयोध्या नगरी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सज कर तैयार हो रही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होनी है। इससे पहले अयोध्या में रेलवे से लेकर सुरक्षा इंतजामों के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या को तमाम सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी 30 दिसंबर को रामनगरी को 1000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या के नए एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही अयोध्या नगरी को वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी मिलने जा रही है। पीएम मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या के नए एयरपोर्ट के पास जनसभा भी करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने धर्मनगरी अयोध्या को त्रेता युगीन वैभव के अनुरूप सजाने का निर्देश दिया है। साथ ही सीएम योगी ने कहा है कि अयोध्या को इस तरह से सजाया जाए कि वो राममय नजर आए। वहीं स्थानीय मठ मंदिरों को सजाने, भव्य तोरण द्वार तैयार कराने और स्थान स्थान पर भजन सरिता के प्रभाव के निर्देश को भी सीएम योगी द्वारा दिए गए हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ और धन पथ तथा अयोध्या एयरपोर्ट से बाईपास नया घाट जोड़ने वाले मार्ग से संबंधित काम को गुणवत्ता के साथ शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि 30 दिसंबर को पीएम मोदी का स्वागत अयोध्यावासी द्वारा किया जाएगा। इसमें साधु संतगणों का भी सहयोग होगा। पीएम मोदी का फूलों की वर्षा के साथ अभिनंदन किया जाएगा।